Hey, welcome once again. We are going to do Ind AS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance ke questions kahan se? Direct from the study material. तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इंड एस 20 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, या फिर डायरेक्टली ये देख लीजिए अगर आपको इंड एस 20 पहले से ही आता है तो, या फिर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो। So let's start with the illustration number one. Here we go. Yeah. Illustration number one. What does it say? Government gives a grant of rupees 10 lakh for R&D of H1N1 vaccine to a pharmaceutical limited. Okay. There is no conditions attached to the grant. ग्रांट से कोई भी कंडीशन अटैच नहीं था। एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट्स बी रियलाइज्ड। द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द प्रॉफिट। सीधा सीधा इसे प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये डिफर्ड। देयर इज नो कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट। इसमें कोई भी कंडीशन अटैच नहीं था, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, ग्रांट की मैं अगर बात बताऊं, दो चीज होती है। ग्रांट को हम एक डिफर्ड कर देते हैं। डिफर्ड कब करते हैं? जब फ्यूचर कंडीशंस कोई सेटिस्फाई करनी रहती है, ठीक है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, डिफर कर देना पड़ता है। और कोई पास कंडीशन आपने सेटिस्फाई की है तो उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, या फिर नो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भी उसे इनकम की तरह दिखाना पड़ता है। ऑल दो सारे केसेस में हमें इनकम ही दिखाना पड़ता है, लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं, तो दैट मीन्स कि आपको पैसा बिना कंडीशंस के मिला है, ठीक है, तो वो आप सीधा पीएल में दिखाइए एज एन इनकम। ओके, अगर फ्यूचर कराएगा तो आप उसको डिफर्ड करिए फिर पीएल में ट्रांसफर करिए। चलिए उसमें भी जीआरए का पार्ट है, जीआरआई का पार्ट है। जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा, जीआरए मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, दो टाइप के ग्रांट हमें मिलते हैं जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, हम उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन क्लियर आई हो। बिना कंडीशन के मतलब अगर आज आपको कोई भी पैसा दे दिया बिना कंडीशन की तो आप उसको क्या दिखाओगे, एज एन इनकम दिखा दो अपने पीएल में। इलस्ट्रेशन नंबर टू, कोई मतलब गवर्नमेंट, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर टू, गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ रुपीज 10 लाख फॉर आरएनडी एचवन वैक्सीन, ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बट इन द मार्केट बट आर एक्सपेंसिव, ठीक है, मतलब मार्केट में थे लेकिन एक्सपेंसिव से अच्छा काम करने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपया दिया। द एंट्री हैज टू इंश्योर द डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ क्या करना है, एंटिटी को इंश्योर करना है। यहाँ पे देखिए कंडीशंस है, entity has to ensure by developing a manufacturing process over a period of 2 years that the cost come down by at least, आप ऐसी वैक्सीन बनाइए जिसकी कॉस्ट 40% से एटलीस्ट डाउन हो जाए। सो मतलब एक कंडीशन लगा दी कि आपको मैं 10 लाख रुपया तो दे रहा हूँ भाई साहब, लेकिन आप एक ऐसी वैक्सीन क्रिएट करिए जो मार्केट में महंगी, उसको 40% रिड्यूस कॉस्ट पे अवेलेबल करा सके हम जनरल पब्लिक के लिए, तो ये कंडीशन आपको 2 साल में फुलफिल करनी। अब ये कैसे रियलाइज होगा, देन द एंटायर ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज डेफर्ड इनकम, जी हाँ, उसको डेफर्ड इनकम मान के फिर ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स उसको हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस के रेशियो में। रेशियो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यू कैन राइट इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, और जिस रेशियो में कंप्लाई करेंगे, 10 लाख एक साल में कितना यूज हुआ, 10 लाख अगले साल में कितना यूज हुआ, उसी के रेशियो में हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, या फिर 10 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है तो उसके रेशियो में हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई काम फुलफिल करना विद कंडीशन, देन यू नीड टू डिफर्ड ग्रांट, यू शुड रिकॉर्ड दैट एज अ डिफर्ड ग्रांट एंड देन यू शुड ट्रांसफर इट इक्वली इन द ईच ईयर, नॉट इक्वली इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। ऑलराइट, जितना जितना खर्चा होगा उसके रेशियो में आपको उसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
विलेजर्स आर्टिशंस इन अ डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. मतलब अर्थक्वेक आया था, सारा गांव हिल डुल गया. अलिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट एंड वॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिशंस. जो वहाँ पे आर्टिशंस थे, द गवर्नमेंट गेव अ ग्रांट, उनको एम्प्लॉयमेंट देता था 10 लाख का, उन्हें ग्रांट मिला सो दैट 1000 आर्टिशंस आर रिहेबिलिटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर. ठीक है, गवर्नमेंट 3 साल का, देखो 3 साल में इन्हें रिहेबिलिटेट करना है. 3 साल के अंदर गवर्नमेंट रिलीजेज ₹2 लाख, एग्जामिन हाउ द ग्रांट विल बी रियलाइज. देखो इसमें दो तीन बातें हैं आपको समझनी होंगी. पहली बात तो एक कंडीशन है यहां पे कि 3 साल में आपको 100 लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है, और आपको 10 लाख रुपए मिले हुए हैं और गवर्नमेंट ने रिलीज किया भी 2 लाख तक. आपको इससे कैसे रियलाइज करेंगे? एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रियलाइज. 10 लाख को रिकॉग्नाइज करेगा एज अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड सेट इट अप एज अ डिफर्ड इनकम, क्योंकि हमें 3 सालों में वो काम पूरा करना है. आई शुड, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर कंडीशन, हमें इसे डिफर्ड करना पड़ेगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा उसमें कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं. जी आर ए आपको पहले ही वीडियो में मिलेगा, मतलब Part 1 ऑफ द Ind AS 20 एंड Part 2 में आपको GRI मिलेगी, तो वो Part 1 से ही आपका काम हो जाएगा. एंड विल रिकॉग्नाइज इट इन द प्रॉफिट और लॉस ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और उसको प्रॉफिट और लॉस में ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स में रिकॉग्नाइज करेंगे एज पर द प्रिंसिपल इंशर्टेड इन द Ind AS 20. और वंस अ गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉग्नाइज एंड आर एंड एनी रिलेटेड कंटिजेंट लाइबिलिटी और कंटिजेंट एसेट इज ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद AS. ये इसमें क्यों दिया? द मैनर इन विच ग्रांट इज रिसीव डज नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड रिगार्ड टू द ग्रांट. थस ग्रांट इज अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश और इन डायरेक्शन द गवर्नमेंट इन द फॉर्म नॉन मॉनेटरी एसेट. कहने का मतलब ऊपर का लाइन ही रिलेवेंट है, आप ये समझिए उतना से ही काम हो जाएगा. आपको एक ग्रांट मिला है विथ कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ साथ, जैसे यहां पे 3 साल में आपको 100 लोगों को रिहैबिलिटेट करना है. अब ये 100 लोगों को आप 3 साल में उसके लिए खर्चा करेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपको इसको क्या करना पड़ेगा? PL में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये रहा ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. चलिए अब आगे बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4. L इनटू रिसीव्ड, ठीक है, इनको भी गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लोन ऑफ ₹50 लाख एट द रेट ऑफ 5%. ये कंसेशनल रेट का है, पेबल आफ्टर 5 ईयर्स इन अ बुलेटेड पेमेंट. इन अ बुलेटेड पेमेंट का मतलब होता है कि 1 साल में सारा, मतलब इंटरेस्ट के अलावा जो मूलधन है वो लास्ट ईयर में पे कर देंगे आफ्टर 5 ईयर्स, समझ लो. द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 12%, 12 और 7, मतलब 7% का इनको क्या मिला? कंसेशन. इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, इंटरेस्ट हर साल रेगुलरली पे होता है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास नेसेसरी जर्नल, ऑल्सो एग्जामिन द गवर्नमेंट ग्रांट बी रियलाइज. गवर्नमेंट ग्रांट कंसेशनल रेट के केस में क्या होता है? कैलकुलेशन अगर आप याद हो, हमने स्टेप बताया था, तो स्टेप 1 में हमने पहले बताया था कि आपको फेयर वैल्यू ऑफ लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अभी जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो इतना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़े, तो 12% मतलब जो रेट है उसके हिसाब से कितना लोन लेना पड़ेगा. इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं. तो इसके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं. ऑल्दो वी विल गेट द सेम आंसर, बट फॉर योर कन्वीनियंस जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट इजियर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हमारा स्टेप क्या होगा? जैसे हमने पहले ही बताया कि हमें फेयर वैल्यू ऑफ लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हमारा रेट क्या है, 12%. 12% के हिसाब से क्या लोन होगा, फिर उसको माइनस करेंगे तो ग्रांट की वैल्यू आ जाएगी. चलिए और भी बात करते हैं. पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को. कैलकुलेशन ऑफ
फेयर वैल्यू ऑफ लोन, सपोज करिए ईयर हो गया, ये कैश फ्लोज जो होंगे, जो पैसा जाएगा, और ये 12% के रेट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड। ओके, लेट्स डू दिस। क्या है कैश फ्लोज, क्या क्या है पहले देखते हैं कि करके हमारे को कितना पेमेंट करना है, दिस मच, ठीक है। एट द रेट 5% पेबल आफ्टर 5 years इन द बुलेट पे, मतलब 5 साल हमें इंटरेस्ट पे करना है। देखिए ये दिया हुआ है कैश फ्लोज क्या क्या रहेंगे, इंटरेस्ट पेड 5%, 50,000 प्लस प्रिंसिपल पेड लास्ट ईयर, मतलब 50 लाख का अगर 5% आप निकालो तो इतना 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 पे करना पड़ा, और बुलेटेड पेमेंट करना इतना 52,50, मतलब आप 4 साल कितना पेमेंट किए, 50 लाख का 5% वो इंटरेस्ट पे करते गए। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगर माइनस होता तो अलग होती, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना है और एक बुलेटेड पेमेंट करना, उसका मतलब सिंपल सा है कि आप लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। 1, 2, 3, 4 हो गया, और ये हो जाएगा 52,50, ये पेमेंट करना है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स हो गए। अब 12% का डिस्काउंटिंग करिए, 1 / 1.12 क्या आया, 0.892, फिर 797, फिर 712 आई बिलीव, राउंड ऑफ कर लेंगे तो फिर आएगा 636, फिर आएगा 567। अब इसको क्या करना है, अपने को इसका अमाउंट निकालना है, इंटू करिए 2.5 लाख इंटू 0.892, 223, फिर आ गया 0.797, 1992.50, ऐड भी साथ साथ कर लेना चाहिए था, मेमोरी प्लस का कब यूज करेंगे हम। ओके 0.636, आई होप मैं सही जा रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो फिर क्या है? होता है 0.56, 2976750, ऐड करिए इसको 1591781992.50, 3736 कितना आया इनका, राउंडिंग ऑफ का एरर, तो अपना आ गया 3736। अगर अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा 3738328, जो आपका इंस्टीट्यूट का है, अगर आपको सारा पॉइंट लेंगे तब, जैसे मैंने 3 डिजिट पे किया है, सो दैट इज आल्सो ओके। अगर ये पूरा, अगर और भी पॉइंट्स लेके अगर इंटू आप करोगे तो 2000 का डिफरेंस आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और हमारा प्रोसीजर्स ऑफ द लोन, कितना हमने लोन कितना लिया है, ये आ गया अपना फेयर वैल्यू ऑफ लोन। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ लोन का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए हमने इसको 12% पर डिस्काउंट किया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये इंटरेस्ट पे करता, ये इंटरेस्ट पे करता, ये इंटरेस्ट पे करता, ये पे करता और ये इतना अमाउंट देता,
तो 12% अगर इसको मैं मान लूँ कि ये इक्वल टू 12% हो जाए, ये 12% के हिसाब से मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना लोन लेना पड़ता, मतलब इस ना मैं इतना इंटरेस्ट पे करता तो मैं 12% के हिसाब से कितना अफोर्ड कर पाता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि फेयर वैल्यू निकालने का क्या मकसद है। फेयर वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि अगर आप 12% के हिसाब से लोन लेते और आप इतना इंटरेस्ट पे करते तो आपको कम अमाउंट मिलता, इजंट इट। आप 2.5 लाख रुपया लोन पे कर रहे हो, सपोज आप 2.5 लाख रुपया लोन पे करोगे और वो रेट होगा 12%, तो आपको लोन कम मिलेगा। जब आप कम पेमेंट करोगे, अगर 5% के हिसाब से करोगे तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, जो कि आपको 50 लाख मिला हुआ है, समझ रहे हो। इसी इंटरेस्ट रेट पे आपको कितना अमाउंट का लोन मिलता, मतलब आपको 2.5 लाख ही पे करना पड़ता और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहता तो आपको 37-38 का लोन मिलता, इससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी 2,50,000 ही है। तो 2,50,000 के हिसाब से आपकी लोन देने की क्षमता सिर्फ इतने की रहेगी, मतलब आप 2.5 लाख पे कर रहे हो ना पर ईयर, तो आप इतना ही पे कर सकते हो। और आपको मिला कितना लोन है, आपके पास लोन है क्या, ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ द लोन। आपके पास प्रोसीड्स ऑफ द लोन कितने हैं, दिस इज 50 लाख, तो ये आपका ग्रांट का अमाउंट हो जाएगा 1,261,672। आप ये फिगर भी ले सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ने ये किया हुआ है तो इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन उन्होंने पूरी वैल्यू लेके यहाँ पे की है, हमने पूरी वैल्यू नहीं, ये 3 डिजिट पे लेके किया है तो इसलिए फिगर आया हुआ है, तो उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। आपका ग्रांट मैं इंस्टीट्यूट की वैल्यू से अगर देखूँ तो ये आ रहा है, और इस वैल्यू से आप देखोगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 3,736 आएगा 12 लाख, 12,64,000, तो आप दोनों भी लिख सकते हो, दैट्स इट। ग्रांट का अमाउंट आ गया, और कुछ पूछा है क्या, ग्रांट का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। ऑल्सो एग्जामिन हाउ द ग्रांट विल बी रियलाइज्ड। ग्रांट मिला है आपको, अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ग्रांट एसेट से मिला हुआ है, एसेट के लिए मिला हुआ है या फिर इनकम के लिए, मतलब इट इज रिलेटेड टू एसेट या फिर अदर देन एसेट, इसमें ये मेंशन नहीं कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या जीआरआई है, तो आप दोनों मान सकते हो, एज द केस में भी आप दोनों में अज्यूम कर सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वो देख लेते हैं, और जर्नल एंट्री क्या पास हुई है। तो ये रहा आपका ग्रांट का अमाउंट जो हमने अभी निकाला, और ये क्या होगा, सीधा बैंक अकाउंट, और ये इनकम आपको डेफर्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये कंडीशन आप फ्यूचर में फुलफिल करोगी और पीएल में अकॉर्डिंगली क्रेडिट करोगे, 5 ईयर्स, 5 साल के लिए मिला हुआ है। तो 12,61,672 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम दिखाना पड़ेगा, और 12,61,672 इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ इन रेशियो ऑफ, यहां लिखा हुआ एज एक्सपेंस द रिलेटेड कॉस्ट फॉर विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट। कहने का मतलब ये है कि इन रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, इन रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है, ओके। डिफर्ड इनकम हो गया, लोन अकाउंट हो गया, ये ट्रीटमेंट हमने बहुत बार कर लिया, बस ये कैलकुलेशन हमने बोला था कि आपको जब थ्योरी बार पढ़ाई थी इसकी तो मैंने बोला था कि डिटेल में बात करेंगे, तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा कि ये जो 12% है ये कंसेशनल रेट का नहीं लेना है, हमें डिस्काउंटिंग एक्चुअल रेट पे करनी पड़ेगी विद द सेम इंटरेस्ट रेट। दो लाइन याद रखिए, डिस्काउंटिंग विद द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन द कंसेशनल कैश फ्लोज, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि उस रेट पे हम कितना लोन ले सकते थे, उस ना पे करते तो कितना लोन ले सकते थे।
Continuing with the facts given in the illustration, see how the grant will be recognized in this statement. Okay, the loan is an immediate relief measure to rescue the enterprises. आपको immediate relief के लिए मिला तो सीधा income में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर deferred करोगे, देखते हैं कि कितना साल में आपको rescue करना. A loan is subsidy for staff training expenses incurred equally for over period of 4 साल में यूज हुआ. द लोन इज टू फाइनेंस डेप्रिशिएबल एसेट. कहने का मतलब ये है कि तीन सिचुएशन दी गई है कि आपको ये लोन इन तीन पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर यूटिलाइज करना पड़ा तो आप उसको कैसी अकाउंटिंग करोगे, कहाँ, क्या डायरेक्टली इमिडिएटली पीएल में चार्ज कर दो या फिर उसको डिफर्ड करोगे, क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे उसकी कॉस्ट से, क्या करोगे. तो 1261 इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड इन विच ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस रिलेटेड टू द कॉस्ट विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट. आपको किसी पर्पज के लिए लोन मिला हुआ है तो जिस पर्पज के लिए, ये तो लिखा नहीं कि इसी साल यूटिलाइज हो जाएगा. अगर इसी साल यूटिलाइज हो जाएगा तो तुरंत हम पीएल में एक इसी साल इमीडिएट क्रेडिट कर देंगे. अगर यहाँ पर लिखा रहता कि दिस ईयर तो हम इसी साल इमीडिएटली उसको क्रेडिट कर देते, ठीक है. एज्यूमिंग द लोन इज एन इमीडिएट रिलीफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ विल रिकॉग्नाइज इन द पीएस इमीडिएटली. हम जैसे हमने बोला एजम्पशन आप लगा सकते हो, ठीक है, कि ये लोन इमीडिएट रिलीफ के लिए तो सीधा हम लोग उसको पीएल में रिकॉग्नाइज कर देंगे. अब ये चार साल में यूज होगा तो चार साल में इसको इक्वली, जैसे इन द रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट, उस कंप्लायंस को पूरी स्टाफ ट्रेनिंग जितना जितना खर्चा होगा उसके रेशियो में हम चार साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एज्यूमिंग सी द लोन इज टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल एसेट will be recognized in the profit and loss over the period of in the ratio of depreciation. आपको अगर याद हो GRA की हमने दो treatment बताई थी, GRA which generally related to asset जो कि depreciation के ratio में charge होता है, मतलब वहाँ पे जो grant मिलता है वो depreciation के ratio में charge होता है. एक तो simply आप समझिए in the ratio of depreciation, दो scenario थे, और एक scenario क्या था, directly deduct कर दो amount से, deduct from asset. तो यहाँ पे रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन में चार्ज किया है एज इट इज रिटर्न की डेप्रिशिएबल एसेट. अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रहता तो हमें इसको डिडक्ट करना बेहतर समझते हम इसे. इलस्ट्रेशन नंबर 6. ए लिमिटेड वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ बैकवर्ड एरिया एंड रिक्वायर्स 5 years. ओके, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लैंड ऑन अ लीज होल्ड बेसिस. ओके, वैल्यू ऑफ ₹10,000 पर एकर, द फेयर वैल्यू इज द लैंड 1 lakh पर एकर, फेयर वैल्यू कितनी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज बाई एंटिटी. 10,000 के लीज पे 1 lakh के वैल्यू का लैंड मिला है, कैसे रिकॉग्नाइज होगा. एलएमटी विल रिकॉग्नाइज द लैंड एट द फेयर वैल्यू ऑफ 5 lakh एंड 4 lakh, दैट इज 1 lakh माइनस 10,000 इंटू 5. डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू कितनी है, 1 lakh है, और कितने एकड़ जमीन है आपके पास, 5, तो इसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 5 lakh. आपको 5 lakh की प्रॉपर्टी मिली है तो इस प्रॉपर्टी को क्या ये डेप्रिशिएबल है, नॉन डेप्रिशिएबल है. तो हमने ऊपर बताया कि आप जीआरए में डिडक्ट कर दोगे सीधा अमाउंट, आपको कितना मिला, 5 lakh आपको क्या मिला, फेयर वैल्यू हो गई. और लिखा द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लैंड ऑन अ लीज होल्ड बेसिस एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 पर एकर. आपको एक नॉमिनल वैल्यू पे तो 5 lakh का ये एसेट जरूर है, लेकिन आपको कितना में मिल गया ये भी इसकी मार्केट में वैल्यू. ओके, आई गॉट द क्वेश्चन. ये बोल रहा है कि आपको कोई एसेट जिसकी वैल्यू 5 lakh की है, अगर आप पैसा खर्चा करो तो मिलेगा, जिसमें से गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, इसको सिर्फ ₹50,000 दे के आपको यूटिलाइज करने के लिए दे दिया, तो आपको कितना बचा, 4,50,000, दैट विल बी योर ग्रांट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसी जमीन जो 5 एकड़ की है
पर एकड़ जिसका दाम 1 लाख है, तो उसकी दाम का कीमत हो गया 5 लाख। मतलब 5 लाख की चीज आपको 10 हजार पर एकड़ की नॉमिनल लीज होल्ड पे मिल रही है, तो उसका मतलब ये गवर्नमेंट आपको 4 लाख 50 हजार का फायदा दे रही है। और ये बोला द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट बाई सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, अल्टरनेटिव द लैंड विल बी रिकॉग्नाइज बाई एलिपी एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ। देखो इसमें दो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि दो अल्टर एक अल्टरनेटिव ये है, द गवर्नमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, गवर्नमेंट ग्रांट को आप बैलेंस शीट में दिखाइए बाय सेटिंग अप बाय द ग्रांट ऑफ डेफर्ड इनकम। कहने का मतलब ये है कि आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और या तो इसको नॉमिनल वैल्यू पे आप दिखा सकते हो। अगर याद हो आपको एक ट्रीटमेंट हमने बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको काइंड में मिले तो क्या होगा, यहाँ पे 4 लाख 50 हजार गवर्नमेंट ने आपको पैसा नहीं दिया है, तो वही केस है। किसका केस है? गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड काइंड, ठीक है। तो उसमें दो ट्रीटमेंट थी गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड में, कि आप इसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, जिस वैल्यू पे आपको रिसीव हुआ है, कोई डेप्रिसिएशन या किसी का झंझट ही नहीं, और ये लैंड भी होना चाहिए, लैंड भी है तो लैंड डेप्रिशिएट होता नहीं है, तो सीधा ही सीधा आप क्या करो उसको डिफर्ड इनकम की तरह तो आप दिखा ही सकते हो, और एक नॉमिनल वैल्यू मतलब जितना पे रिसीव हुआ है उतना पे दिखा दो, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 50,000, जितना आप पे करोगे 50,000। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ए लिमिटेड एस्टैब्लिशेस सोलर पैनल टू सप्लाई सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, द कॉस्ट ऑफ द सोलर इज 1 करोड़ विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, मतलब हर साल 10 लाख डेप्रिशिएट होगा। द गवर्नमेंट गिव्स 50,000 एज अ सब्सिडी, 50 लाख की आपको सब्सिडी मिली, एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रियलाइज्ड, उसको डेफर्ड करेंगे और 10 साल के ऊपर एज अ डेप्रिशिएशन के रेशियो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, इन रेशियो ऑफ डेप्शन पीएल में चार्ज होगा। रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है? 10 साल में मतलब आप यूटिलाइज करोगे तो क्या होगा, डेफर्ड इनकम की तरह दिखाएंगे एंड विल गेट 5 लाख इक्वली, मतलब 10 साल में 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर लो, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। वैसे नहीं समझिए, रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है उसके हिसाब से आप बांटिए, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा हर साल 10 लाख, 10 लाख तो इस 10 लाख का रेशियो बनाइए। अब कैसे निकलेगा, 50 लाख डिवाइडेड बाई 100 करोड़ हो जाएगा, और इंटू 10 लाख रेशियो बना, दैट विल बी 5 लाख। आप इंटू करिए रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन में, 50 लाख डिवाइडेड बाई 100 करोड़ इंटू 10, ये आ जाएगा 5। तो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हुआ, 10 बाई 100, 1 बाई 10 का रेशियो में ये ट्रांसफर होगा टेक्निकली स्पीकिंग। फिर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स गिवन इन द इलस्ट्रेशन नंबर 7 अबव, स्टेट हाउ द सेम विल बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोस। ए लिमिटेड विल शो 1 करोड़ बीइंग एक्विजिशन ऑफ द सोलर पैनल एज एन आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, द रिसिप्ट ऑफ 50 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट विल बी शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसको कहां दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? आपका ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस लगा रहे हो वहां पे, तो आप क्या कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये आपको पैसा मिल रहा है, दैट विल बी योर फाइनेंस। ये कैश फ्लो में अलग प्रेजेंटेशन होती है और हम बैलेंस शीट और पीएनएल में अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रीटमेंट अच्छे से बताई हुई अगर आपको याद हो तो, जी हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखाया जाएगा, जो प्लांट खरीद रहे हो या फिर जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ओके, और आपको पैसा कोई दे रहा है उस चीज को करने के लिए, दैट विल बी योर फाइनेंस, एज सिंपल एज दिस, ओके। नाउ देर आर 3 क्वेश्चन आई बिलीव इन टेस्टिंग योर नॉलेज, विल टेस्ट योर नॉलेज शॉर्टली जस्ट इन फ्यू मिनट। एबीसी लिमिटेड हैज रिसीव्ड फॉलोइंग ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली,
फॉर इट्स न्यूली स्टार्टेड फार्मास्यूटिकल, ओके 20 लाख फॉर इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन, 50 लाख रिसीव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज विद द फॉलोइंग कंडीशन, द ड्रग शुड कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा, 20% चीपर भी होगा, द ड्रग शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी प्रिस्क्राइब बाई द वर्ल्ड, क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 20% चीपर दाम पे बनेगा, 20 और 50 लाख का ये कहानी है। 2 acres ऑफ द लैंड भी मिला इनको 10 लाख रुपए, फेरोलू है प्लांट को सेटअप करने के लिए, 2 लाख रिसीव फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख, 2 लाख रिसीव फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 ईयर्स, यूजफुल लाइफ मशीनरी की कितनी है 5 ईयर्स, डेप्रिशिएशन ऑन द मशीनरी इज टू बी चार्ज ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो कहानी कुछ ऐसी है, ये बिना कंडीशन के है, 20 लाख रुपया लो बिजनेस स्टार्ट करो, 50 लाख रुपया लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कुछ कंडीशन है कि 20% चीपर और क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, लैंड एक्वायर करो 2 acres ऑफ द लैंड बिना किसी खर्चा के जिसका फेयर वैल्यू 10 लाख है, 2 लाख रुपया और लो मशीनरी सेटअप करो जिसका वैल्यू है 10 लाख। अब इतनी सारी फ्रीबीज आपको मिल रही हैं, बट द पर्पज इज गुड मेडिकल पर्पज के लिए, आपको ये बताना है इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, बड़ा सिंपल है ये बिना कंडीशन का है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, सीधा पीएल में ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली बिना कंडीशन आज के आज शुरू करने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इनकम है ना बेसिकली, 50 लाख आपको मिला है कि आप पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो रिलेटेड कॉस्ट उसके कॉस्ट के रेशियो के हिसाब से आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ चार्ज कर दोगे, क्योंकि ये कंडीशन आने वाले समय में जिस कॉस्ट में, जिस सपोज कि 50 लाख ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स में यूज करता हूँ, तो जितना 10 लाख 5 लाख 6 लाख खर्चा होता है उसके रेशियो में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लैंड शुड बी रिकॉग्नाइज कहाँ पे, फेयर वैल्यू पे, एंड द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट बाय सेटिंग ऑफ द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, और जो 10 लाख रुपये जमीन के लिए मिला हुआ है मेरे को वो एज अ फ्रीबीज मिला हुआ, मतलब 10 लाख का 10 लाख मुझे ऐसे ही मिल गया, तो 10 लाख को डेफर्ड इनकम दिखाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज कर देंगे, और इसको 10 लाख मतलब 10 लाख में इसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़े, इसलिए 10 का 10 हमें डेफर्ड इनकम दिखाना पड़ेगा। 2 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ डेफर्ड इनकम एंड विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन केस ऑफ द, इन दिस केस ओके 5 साल में यूटिलाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या मिला है लास्ट वाले केस में देखा जाए, 2 लाख रुपया मिला है मशीन खरीदने के लिए जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन के रेशियो में ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, तो जीआरए वाला था पहला पॉइंट हमने ऊपर भी किया हुआ था। आई टेस्ट टू नॉलेज में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है ये समझ लीजिए, ये रहा आपका वही पुराना क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ए लिमिटेड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लोन ऑफ 1 करोड़, 5% जो कि कंसेशनल रेट है 12% का रेट होना चाहिए, बुलेटेड पेमेंट करना है, मतलब 5% का इंटरेस्ट हर बार देंगे और लास्ट साल में 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट देंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास नेसेसरी, गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा और कैसे उसे रियलाइज करेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास किया, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई थी कि आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे ईयर लिखो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो गया कैश फ्लो जो हुए हैं या फिर इंटरेस्ट जो पे हुआ है दैट इज 5 लाख, 2, 3, 4 तक तो 5 लाख ही रहेगा, यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 12%, 12% के हिसाब से मैंने बताया था क्या रेट होता है, ये हो गया 0.893, ये हो गया 0.797, 0.712, 0.636 और ये हो गया
पॉइंट फाइव सिक्स सेवन, मैंने 3 पॉइंट लिया है, बट इंस्टीट्यूट ने जो लिया होगा वो उससे ज़्यादा पॉइंट लिया होगा, हमने प्रीवियसली भी बात किया। अब इसको इंटू करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, और ये टोटल अपना आएगा कहाँ, ये टोटल आएगा अपना 7476656, जितना इंस्टीट्यूट का आया है उतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू। और लोन प्रोसीड्स ऑफ द लोन्स कितना है, ये 1 करोड़। इसका डिफरेंस क्या होगा, 2523344, दैट विल बी योर ग्रांट। अब इस ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह दिखा दो और पीएल में रिकॉग्नाइज कर दो सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ कास्ट रिलेटेड कॉस्ट के और कंप्लायंस कॉस्ट के रेशियो में। ओके, ऑल्सो एग्जामिन हाउ द ग्रांट विल बी रियलाइज। ठीक है, ऑल्सो स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अज्यूमिंग दैट द लोन इज फाइनेंस डेप्रिसिएबल एसेट। तो लिखा हुआ, इफ द लोन इज टू फाइनेंस डेप्रिसिएबल एसेट विल बी रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस एज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बेसिस से, मतलब डेप्रिसिएशन के रेशियो में वो यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब पीएल में चार्ज किया जाएगा। जैसे जितना साल का वो डेप्रिशिएट हो, सपोज करो कोई भी एसेट ये यूज हो रहा है 10 साल के, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन हम पीएल में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एमएनसी लिमिटेड हैड रिसीव्ड ग्रांट इन द नेचर ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन अ कैपिटल गुड्स विद द सर्टेन कंडीशन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेदर द सेम इज अ गवर्नमेंट ग्रांट अंडर, क्या इसे इस एग्जेम्पशन को हम इंडेस 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे। Government grant and disclosure of the government assistance, if yes, then how the same to be accounted if it is grant related to asset or grant related to income. अगर मिला हुआ tax exemption या फिर कोई exemption exporters को मिलता है custom duty में, तो क्या वो grant माना जाएगा under Ind AS 20, that is government grants and disclosure of government assistance. अगर ऐसा है तो उसकी क्या treatment होगी if it is a GRA or if it is GRI. I hope you got the question. तो यहां पे कहानी लिखी हुई है लंबी चौड़ी। चलिए पढ़ ही देते हैं। पैराग्राफ 3 ऑफ इंडेस 20 लिखना जरूरी भी है क्योंकि आपको फैक्ट्स लिखने डिस्क्लोज करने जरूरी है। पैराग्राफ 3 ऑफ इंडेस 20, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस स्टेट द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न ऑफ द पास्ट और फ्यूचर विद द सर्टेन कंडीशन रिलेटेड टू द। तो भाई साहब अपना पॉइंट अगर आपको याद हो कि गवर्नमेंट ग्रांट में ग्रांट क्या होता है, हमने गवर्नमेंट तो बता दी, इट इज पहली बात हमने बात की थी कि एक असिस्टेंस है, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इट इज असिस्टेंस बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई असिस्टेंस है टू द एंटिटी, किसको, टू द एंटिटी, एक एंटिटी को, इन रिटर्न फॉर पास्ट ऑफ फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैनॉट बी रीजनेबली हैव अ वैल्यू। अब इसमें से जो जिनकी रीजनेबल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है जिसकी वैल्यू नहीं होती उसको ग्रांट नहीं माना जाता है, उसको असिस्टेंस माना जाता है। विच कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रहता है, नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग्स में रहते हैं, उनको भी ग्रांट नहीं माना। गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी बिजनेस करती है और आपको पैसा देती है, सो दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए ग्रांट। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द अबव द गिवन केस एग्जेम्पशन ऑफ द कस्टम ड्यूटी अंडर ईपीसीजी स्कीम इज अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड शुड बी रिकाउंटेड एज अ प्रोविजन एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंड एस 20। अब ये कहने का मतलब है कि क्या एक असिस्टेंस है, जी हाँ बिल्कुल है। क्या इसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है, जी हाँ इसकी वैल्यू मेजर की जा सकती है। क्या एक एंटिटी को दी जा रही है, जी हाँ दी जा रही है। क्या पास्ट और फ्यूचर कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में पढ़ना होगा कि एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, देखो
ऑन कैपिटल गुड्स विद सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद आपको एक फैसिलिटी मिली, तो कंडीशंस तो है, तो अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही है तो दैट विल बी योर ग्रांट. इंड एस 20 डिफाइंस ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स एंड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज फॉलोज. अब इंड एस 20 GRA और GRI कैसे डिफाइन करता है. ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स आर गवर्नमेंट ग्रांट विच प्राइमरली कंडीशन इज दैट एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड परचेज कंस्ट्रक्ट अदरवाइज एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स. कहने का मतलब ये है कि परचेज करो, प्रोड्यूस करो या जनरेट करो लॉन्ग टर्म एसेट, दैट विल बी GRI. मतलब उस ग्रांट को यूज करके क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो कोई एक लॉन्ग टर्म एसेट, तो माना जाएगा कि GRI. सब्सिडियरी कंडीशंस में ऑल्सो भी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट और पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड. और उसमें और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि कहाँ बनना चाहिए और किस टाइम लिमिट में बनना चाहिए तो ग्रांट मिलेगा. ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर ग्रांट्स अदर देन रिलेटेड टू एसेट. और इसके अलावा जो भी हुआ वो GRI हो जाएगा, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो जाएगा. प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू एसेट. गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू. गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट बाई सेटिंग अप द ग्रांट एट एज डेफर्ड इनकम. कैसे दिखाना होगा, GRA को हम डेफर्ड इनकम में सेट करके, मतलब उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एट फेयर वैल्यू पे. और उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी कि हम डेफर्ड इनकम दिखा के वहां से प्रॉफिट में उसका इफेक्ट भी लेंगे. द ग्रांट सेटअप एज द डेफर्ड इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस. और डेफर्ड इनकम में जो दिखाया गया है क्या एंट्री होती, मैं जनरलाइज करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट सपोज करिए 50 लाख का है टू डेफर्ड इनकम टू कोई एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम टू बैंक. सपोज करिए 35 लाख का आप पेमेंट किए हैं और आपको 15 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया, तो इस तरीके से आप दिखाते हो. इसको फेयर वैल्यू पे हमने दिखा दिया और इसको डेफर्ड ग्रांट को अलग से दिखा दिया और इसको PL में चार्ज करेंगे. ओवर द ग्रांट सेटअप बाय द डेफर इज रिकॉग्नाइज्ड इन द PL ऑन अ सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक बेसिस में ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. अगर डेफर्ड डेप्रिशिएबल एसेट के लिए तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन उसको चार्ज करेंगे. इनकम में क्या होगा, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आइदर सेपरेटली और अंडर द जनरल हेड ऑफ द अदर इनकम. और जब बात GRI की होती है तो इसमें दो प्रेजेंटेशन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ. मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, मतलब कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि आप इसको अदर इनकम की तरह दिखा दो या फिर आप जो एक्सपेंस है वहाँ पे उसको लेस करके, मतलब ग्रांट जो आपको मिला है इसको सेट नेट ऑफ करके दिखा दो. तो यही क्या हुआ, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंट एज अ पार्ट एदर, एदर मतलब या तो सेपरेटली और अंडर द जनरल हेड एज अदर इनकम, अल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग एंड रिलेटेड एक्सपेंस. उसके रिलेटेड एक्सपेंस से उसको नेट कर दिया जाएगा या फिर अदर इनकम में उसको दिखा दिया जाएगा. अकाउंटिंग फॉर सच ग्रांट इट मे बी फर्दर नोटेड इन द पैराग्राफ दिस, गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस एक्सपेंसेस रिलेटेड कॉस्ट फॉर विच दे आर इंटेंडेड टू कंपनसेट इन द गिवन केस. इन द गिवन केस इफ बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम द ग्रांट रिसीव्ड इज टू कंपनसेट द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ द एसेट सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन द कंडीशन एज प्रिस्क्राइब इन द EPCG scheme. Recognition of the grant in the statement of profit and loss should be linked to the fulfillment of the obligation. उस conditions को fulfill करने के बाद ही आपको grant मिलेगा. However, the grant received to compensate the import cost of the asset and based on the examination of the terms and conditions of the grant, it can be reasonably concluded that the condition relating to exports of the goods are subsidiary conditions. Then it is appropriate to recognize such grant in the proper over the ओवरलाइन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. उस एसेट को खरीदने के लिए अगर इम्पोर्ट कॉस्ट को कम करना करने का मकसद है, मतलब आप जो खरीद के ला रहे हो एसेट, आपका मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का मकसद ये है कि उस कॉस्ट को कम कर दिया जाए, तो हम उस कॉस्ट को कम कर देंगे और उसको डिफर्ड इनकम तक की तरह दिखाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ उसको हम लोग PL में चार्ज कर देंगे. दैट्स इट.
यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज टू डिस्क्राइब दिस आंसर. बस आपको ये लिखना है जरूरी कि गवर्नमेंट ग्रांट कैसे डिफाइन किया जाता है, कि असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है टू द एंटिटी इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, दैट इज योर ग्रांट. इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं जो नॉर्मल ट्रेड ऑफ ट्रेड बिजनेस होते हैं और जिसकी वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती. ओके, जीआरए क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज कंस्ट्रक्ट और जनरेट करने अक्वायर करने के लिए यूज किए गए सारे, वो हो सकता है कि किसी टाइम पीरियड और किसी स्पेसिफिक स्पेस से रिलेटेड हो. मतलब आप कोई एसेट बना रहे हो, खरीद रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो उस जीआरए हो जाएगा, अदरवाइज सारे जीआरआई हो जाएंगे और उसको आप पीएल में ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ट्रांसफर कर सकते हो इन केस ऑफ जीआरए. और सेम यू कैन डू इट अगर आप उस इम्पोर्ट कॉस्ट को घटाना चाहते हो इन द केस ऑफ द जीआरआई. सो नाउ लेट्स रैप अप व्हाट वी से या रैप अप. ओके, साइनिंग ऑफ, जो भी बोल लो भाई सब, इंडियस 20 जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे जो हमने अभी कर लिए हैं. अब आपसे मिलेंगे हम लोग, अगले टॉपिक पे बात करेंगे और देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा. बट आई बिलीव इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द व्हाट सरप्राइज. मिलते हैं अगले वीडियो में. शुक्रिया. एक बात याद रखिए कि आप हैं तो हमारी हैसियत है. और यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल डेफिनेटली.